जय हिंद दोस्तों, भारत इंडिया टाइम यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आपका दोस्त विनी चौहान आप लोगों के लिए एक छोटी सी वीडियो लेकर के फिर से हाजिर है। और आज हमारी इस वीडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर वंदना त्यागी, जो कि एक मशहूर जानी पहचाने हॉस्पिटल जो कि मेरठ में है, शाकुंतलम ट्रेडिशनल स्पाइनल केयर हॉस्पिटल, जिसकी न्यू दिल्ली में, मेरठ में, ऋषिकेश में और काठमांडू नेपाल में इनकी ब्रांचेज हैं। डॉक्टर वंदना त्यागी डॉक्टर होने के साथ साथ एक मशहूर समाज सेविका भी हैं। पूरे उत्तर भारत में, काठमांडू में, नेपाल में के साथ साथ पूरे भारत में इनकी बहुत से जो सेवा कार्य सोशल वर्क ये करती हैं। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर त्यागी से, आप कृपया थोड़ा सा हमारे शकुंतलम ट्रेडिशनल स्पाइनल केयर के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें और इसके साथ साथ आप हमारे को थोड़ा कोरोना वायरस के ऊपर भी थोड़ी सी रोशनी दें। नमस्ते। को जैसे कि पता है इस समय पूरे वर्ल्ड में एक कोरोना वायरस जो फैला हुआ है, आज हम थोड़ी उसके ऊपर बातचीत करना चाहेंगे। पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए कि कोरोना वायरस से क्या क्या खतरे हैं, बेसिक क्या है कोरोना वायरस, ताकि आम साधारण जन को साधारण भाषा में समझ आ सके कि कोरोना वायरस है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारा जो वातावरण है, जो एनवायरनमेंट है, उसमें बहुत सारे वायरसेस जर्नी करते हैं, जर्नी कर रहे हैं, घूम रहे हैं बहुत सारे। तो अभी ये चाइना में सबसे पहले डिटेक्ट हुआ कोरोना वायरस, इससे पहले हुआ था इबोला वायरस। ये वायरसेस कहाँ से आ जाते हैं और ये आखिर इंसान पर या इंसान की बॉडी पर ही क्यों अफेक्ट करते हैं कि यहाँ तक की डेथ हो जाती है लोगों? ये वायरसेस किसी ना किसी, जो हमारे आजकल फूड प्रोडक्ट भी लोग नॉनवेज बहुत ज्यादा यूज करते हैं खाने में, तो वहां से उनके कुछ ब्रीड मिक्स होकर ये वायरसेस उत्पन्न हो जाते हैं और कुछ एयर में ये वायरसेस जब हम इनहेल करते हैं तो ये हमारे लंग्स में जाकर बैठ जाते हैं, क्योंकि लंग्स के अंदर इतनी वीकनेस हमारी आ चुकी है कि और लंग्स के अंदर एक स्पेस होता है जो ट्रैकिया से, नोज के थ्रू ट्रैकिया से होता हुआ जो ट्रैकियोल्स तक जो हमारा लंग्स है, तो वहां पर एक स्पेस होता है। अगर वहां थोड़ा सा भी टॉक्सिन है, यानी कि स्पूटम की मात्रा है, तो वायरस सबसे पहले वहां जाकर बैठता है और अपना काम करना शुरू कर देता है। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, ये ट्रैकियोल क्या चीज? ट्रैकिया ये हमारी श्वास नली है यहाँ से, और लंग्स में जब वो ऐसे डिवाइड होकर और छोटे छोटे बिल्कुल लास्ट वाली जो ब्रांचेज होती है, छोटे छोटे से, उसमें आप देखेंगे किसी आप नेट पर जाकर उसकी फोटोज देखेंगे, तो छोटी छोटी ब्रांचेज जो एंड होता है ट्रैकिया का, जो एंड ब्रांचेस का जो एंड होता है, उनको ट्रैकियोल्स कहते हैं। तो वो वहां पर हमारी एयर प्यूरिफाई होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकल जाना और ऑक्सीजन का अंदर रह जाना, जो हम एयर ले रहे हैं उसमें दोनों का एक्सचेंज होना, वो ट्रैकियोल्स में लंग्स के अंदर होता है। तो वहां स्पेस होता है, अगर वहां टॉक्सिन है, स्पूटम बैठा हुआ है, तो उस स्पूटम में जैसे ही वायरस को हम इनहेल करते हैं वहां जाकर बैठ जाता है, वो अपना उपद्रव करना शुरू कर देता है, जैसे बुखार आ जाना, कफ का बढ़ जाना, खांसी आना, बॉडी एक होना, ये सारे इसके सिम्टम। जो कोरोना वायरस है वो भी एक ऐसा ही वायरस है जिसकी अभी तक इम्यूनिटी या इम्यूनाइजेशन की मेडिसिन नहीं बनी है, क्योंकि ये नया वायरस एकदम से एनवायरनमेंट में आया और लोगों ने इनहेल किया और लंग्स में जाकर बैठा, उसने अपने सिम्टम छोड़े और लोगों की डेथ तक हो गई, क्योंकि इम्यूनाइजेशन के लिए कोई मेडिसिन गवर्नमेंट के पास अभी नहीं है। चाइना से शुरू हुआ, चाइना में जैसे अभी सारा का डाटा आ रहा है, समथिंग 3000 डेथ वहां पर हो चुकी है। तो जो चाइना के राष्ट्रपति है मिस्टर शी जिनपिंग, तो एक्चुअली होता क्या है कि हम प्रिकॉशनरी मेजर पहले से हमें पता ही नहीं होता, तो वहां पर वहां की गवर्नमेंट ने कोई भी प्रिकॉशन मेजर ऐसे नहीं अपनाए, क्योंकि जब भी वेदर चेंज होता है, जैसे फरवरी और मार्च का जो महीना आता है उसमें ये वायरस एक्टिव होते हैं, और जो हमारी बॉडी के अंदर पड़े हुए बैक्टीरिया कुछ होते हैं वो भी एक्टिव हो जाते हैं और ये ज्यादा बॉडी पर अफेक्ट करते हैं। ये वेदर चेंज होने पर हमेशा होता है, आप हमेशा ध्यान करना, जब भी वेदर चेंज होगा, जैसे सर्दियां खत्म होगी और फरवरी का लास्ट और मार्च का शुरू आएगा, तो ये वायरसेस के केसेस आपको ज्यादा आने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे ही कोरोना वायरस भी एक्टिव हुआ, हो सकता है बहुत पहले से एनवायरनमेंट में हो, लेकिन अभी वो जैसे ही ये हुआ तो लोगों की इम्यूनिटी वीक होने के कारण से ये। अब इसके जो कॉज हैं, ये कॉज बहुत सारे हैं कि भाई ये हमें इंसानों पर ही क्यों अटैक करता है, किसी पशु पे या पक्षी पे क्यों नहीं अटैक कर रहा है। तो इसका मेन कॉज है कि सबसे पहले हमारी इम्यूनिटी बहुत वीक है, दूसरा हमारे लंग्स की जो कैपेसिटी है वो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ काम के मशीन बन चुके हैं, गर्दन हमारी हमेशा झुकी रहती है, हमारा जो ब्रेथ लेने का तरीका है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो कोरिया हो, चाहे वो अदर कंट्री हो, सारे वर्ल्ड वाइड ये हो रहा है कि लोगों की जो ब्रेथ है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो छोटी श्वास ले रहे हैं और छोटी श्वास लेने के कारण लंग्स की जो कैपेसिटी है वो बिल्कुल ही वीक हो चुकी है, वो उस चीज को नहीं झेल पा रही है। तीसरा कारण है हमारा फूड, फूड इतना ज्यादा खराब हो चुका है, लेकर के बच्चों से और बड़ों तक, आजकल की गृहिणी भी सिर्फ ऑनलाइन बैठकर फूड को ऑर्डर करती हैं कि अभी हमें बर्गर दे दीजिए, अभी हमें चाउमीन दे दीजिए, कुछ कुछ इतने सारे चीजें आ गई हैं, तो फूड से हमें वो इम्यूनिटी एनहेंसर चीजें नहीं मिल रही हैं। दैट मींस कि आपका कहने का मतलब है जो आजकल के लोग जो ट्रेडिशनली जोमेटो स्विगी वगैरह से ज्यादातर जो जंक फूड ऑर्डर करते हैं, कहीं ना कहीं इन वायरसेस का खतरा वहां से भी फैलता है। बिल्कुल फैलता है, क्योंकि ये सारे हमें नहीं पता क्या इन्फेक्शन वहां पर चल रहे हैं, कैसे हाथ
हाथों से वो लोग बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता। और जंक फूड से कभी भी इम्यूनिटी एनहेंसर या आपकी बॉडी को ताकत मिलती नहीं है। जो आपकी बॉडी को चाहिए, जो न्यूट्रिएंट्स बॉडी को चाहिए, वो तो जंक फूड में मिल ही नहीं रहे। अब चाउमीन में हमें क्या मिलेगा? मैदा की बनी हुई है, उसमें उन्होंने सॉस डाल दिया है, उसमें मिला क्या बॉडी को? तो कोई भी न्यूट्रिएंट्स उसकी इम्यूनिटी को एनहेंस करे, जो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाए, वो तो मिला ही नहीं। जो हम दैट टाइप ऑफ वायरस से अगेंस्ट लड़ने के लिए हमारी बॉडी तैयार हो जाए, वो चाउमीन में या बर्गर में कहां मिला? लेकिन हमारी, क्योंकि हमें या तो पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। अगर अवेयरनेस ही है तो हम काम करना नहीं चाहते। मैम, जैसे कि अभी हमने आज कल की न्यूज में देखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक एडवाइजरी जारी की है कि इंडिया में भी अब कोरोना वायरस आना शुरू हो चुका है। हाँ जी। इसके कुछ केसेस अपना दिल्ली में और साउथ इंडिया की तरफ 6 केसेस अभी डिटेक्ट हुए हैं। 6 केसेस। अब हमें क्या करना चाहिए बेसिकली? हाँ, अब उसी बात पे आ रहे हैं हम लोग। प्रिवेंटिव मेजर क्या है कि हम लोग उस वायरस से बच सकें या किसी भी वायरस से बच सकें? सबसे पहले तो मैं सभी से अपील करना चाहूंगी कि डरना नहीं है, डरना छोड़ दीजिए, क्योंकि डरने से कुछ नहीं होगा। जब हम डरते हैं तो जिससे हम डर रहे हैं वो और ज्यादा अटैक करता है। ठीक है, हमारी इम्यूनिटी और वीक हो जाती है। जब भी हमारे मन में भय या डर आ जाता है, फियर आ जाता है, तो इम्यूनिटी हमारी वीक हो जाती है। ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। सेकंड थिंग ये है कि हमारी किचन ही हमारा औषधालय है, अगर हम देखें वही हमारा मेडिकल स्टोर है। तो एज ए डॉक्टर आप ये रेकमेंड करेंगे कि किचन हमारा बिल्कुल मेडिकल स्टोर? यस। और बीइंग एज ए डॉक्टर ही ये बात समझ सकता है कि किचन में बहुत सारी हमारी ऐसी औषधियां हैं जो हमारी इम्यूनिटी को एनहेंस करती हैं और हमारे लंग्स को प्यूरिफाई करती हैं कि अच्छा। जो स्पूटम या टॉक्सिन जमा है उस लंग्स में से वो टॉक्सिन बाहर निकल जाएं। और वायरस अगर अटैक करता है तो लंग्स उसके लिए पहले से ही उसको एक्सपेल आउट करने के लिए तैयार रहे। ऐसी किचन के अंदर औषधियां हैं जैसे काली मिर्च। काली मिर्च को अगर आप सेवन करते हैं, 1 pinch ऑफ काली मिर्च आप टी में डालकर पी लेते हैं या दूध में ऐड करके पीते हैं, तो ये बहुत अच्छा आपका औषधि है। हल्दी, आज अमेरिका हल्दी के कैप्सूल्स बनाकर कहता है कि ये एंटी इंफ्लेमेटरी है, ये वुंड हीलर है, ये तो एंटीपायरेटिक है। ये हमारे ग्रंथों में हजारों साल पहले लिखा है और हम सदियों से हमारी किचन में हल्दी का सेवन करते आ रहे हैं। हमारी सारी दाल सब्जियां हल्दी के बिना बनती ही नहीं है, तो क्यों हमारे ऋषि मुनियों ने कह दिया कि भैया ये हल्दी खाइए? क्योंकि हल्दी खाने से हमारी इम्यूनिटी भी एनहेंस होती है, हमारा ये कहीं भी बॉडी के अंदर टॉक्सिन है उसको हल्दी निकालती है, और हल्दी एंटीबायोटिक भी है। ये हल्दी की सारी प्रॉपर्टीज है। बहुत सारी रिसर्च आजकल आप गूगल पे डाल के देख सकते हैं। तो और एक तुलसी के पौधे आप 10-20 पौधे अपने गमलों में बाहर लगाइए, अपने बालकनी में लगा के रखिए। सबसे पहले जहां तुलसी होगी वहां पर एयर प्यूरिफाई हो जाएगी। ठीक है। और दूसरी बात, जब भी कोई ऐसी बीमारी बॉडी के अंदर बढ़ती है, जब वायरस अटैक करता है और जहां स्पूटम बढ़ता हो, फीवर स्पूटम के कारण बढ़ता हो, तब तुलसी का रोल बहुत अच्छा। तुलसी के काढ़ा बनाकर, तुलसी का डिकॉक्शन बनाकर आप पी सकते हैं, या तुलसी को चाय में ऐड करके पी सकते हैं अगर लोग चाय की आदत डालते हैं। तुलसी को दूध में भी उबाल, तुलसी के पत्र को चबाकर नहीं, उसके अरक को हम पीते हैं, तो उबाल कर पिए तो ज्यादा है। 5-10 तुलसी के पत्ते उबालिए और पी लीजिए। ये आपको कोरोना वायरस से बचाने में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। सेकंड थिंग्स है आपकी पीपली। एक मसाला आता है, छोटी सी इतनी बड़ी ब्लैक कलर की होती है, पीपली नाम से आता है वो, पीपल भी बोलते हैं। उसका बहुत अच्छा रोल है वो, उसका भी थोड़ा सा काली मिर्च जैसा इफेक्ट आता है गले के अंदर, थोड़ा बर्निंग होती है। तो और एक त्रिकुट नाम से एक चीज बनती है, त्रिकुट, वो आयुर्वेद में भी मिल जाता है, काफी सारे डॉक्टर्स भी इसको बनाते हैं और घर में भी आप लोग बना सकते हैं। उसमें सौंठ, जिंजर पाउडर और पीपल और काली मिर्च, ये इक्वल क्वांटिटी में लेकर 20-20 ग्राम्स लेकर उनका पाउडर बनाकर आप लोग किचन में रखिए। और जब भी आप दही लेते हैं, या तो दही में, दही को थोड़ा सा पानी मिक्स करके, उतनी दही में थोड़ा सा पानी मिक्स करके, जैसे एक कटोरी हमने दही ली उसमें हमने 1 glass ऑफ वाटर उसमें मिक्स कर लिया, और उसमें हमने 1 pinch ऑफ त्रिकुट जो मैंने पाउडर अभी बताया वो मिक्स किया, और सेंधा नमक जो रॉक सॉल्ट होता है उसको हमने मिक्स किया, प्लस उसमें थोड़ा सा सौंठ जो है हमने ज्यादा मिक्स, अगर उसको हम पीते हैं तो ये भी आपकी इम्यूनिटी एनहांसर और डिटॉक्स करता है बॉडी, तो इसलिए इसको भी आप कर सकते हैं। तो ये कुछ हमारे किचन के आइटम्स होते हैं जो हम कर सकते हैं। और एक गिलोय जिसको हम अमृता बोलते हैं, का अमृता नाम है ग्रंथों में। तो अमृता का मीन्स आप समझ सकते हैं सर कि क्या होता है, जो बिल्कुल अमर हो। तो इसका भी आप, इसकी जो डंडी होती है गिलोय की, उसकी आप 2 inch डंडी को कूट कर और उसका भी डिकॉक्शन बनाकर पी सकते। तो एक डिकॉक्शन हो गया कि आप 1.5 glass पानी रखें, 1.5 glass पानी रखें, उसमें गिलोय डालें,
डालें, त्रिकुट के पिंच डाल दें, अदरक डाल दें, हल्दी थोड़ी सी ऐड कर दें, 1/4 teaspoon है ऐड कर दें, और सेंधा नमक उसमें ऐड कर दें। तो जैसे ही वो वन उबलते उबलते 1/4 उसका रह जाएगा, 1/4 part रह जाएगा, तब उसको सिप करके चाय की तरफ। तो ये आपके इम्यूनिटी को एनहेंस करेगा, बॉडी को डिटॉक्स करेगा, और कोरोना वायरस से क्या, अगर इससे भी कोई खतरनाक वायरस आ जाता है तो उससे भी लड़ने के लिए आपकी बॉडी को प्रिपेयर कर देगा, इम्यूनिटी को एनहेंस। अच्छा मैम, एक चीज जैसे अभी आपने बताया, ये तो किचन के प्रोडक्ट्स हो गए जहाँ से हमें इनसे बचाव हो। साधारण स्कूल के जो जाने वाले बच्चे हैं, हाँ जी, वो अपने आप को किस तरह से अपना इससे प्रिवेंट कर सकें, कैसे बचाव कर सकें, उसके लिए बच्चों के लिए ऑफिस गोइंग्स के लिए कैसे किया जाए? हाँ देखिए, पहले तो बच्चों का ये खाना पीना तो घर से ही शुरू हो जाता है जी, है ना। तो मैं सारी मदर को ये अपील करना चाहती हूँ कि मदर जो है, मदर और बच्चे का जो रिलेशनशिप है उसको मेंटेन करें, बॉन्ड को उसको मेंटेन करें, और ये चीजें उनको देना शुरू करें, क्योंकि बच्चे इनको डिनाय करते हैं खाने के लिए। च्यवनप्राश आजकल बहुत अच्छे आते हैं, अच्छी कंपनी का कोई भी अच्छा च्यवनप्राश जिसमें वास्तव में 54 मेडिसिन हो और जिसमें अच्छा हो, वो भी बच्चों को दूध के साथ देना शुरू कर सकते हैं। 1-5 gram सुबह, 5 gram शाम, या अकॉर्डिंग टू डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन वो दे सकते हैं। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। फिर भी जब बच्चा स्कूल से बाहर निकलता है तो गवर्नमेंट ने भी काफी सारी चीजें की हैं, भाई मास्क लगा के जाइएगा, टच मत करिएगा, हैंड वॉश का इतना अच्छा 10 steps हमारे WHO ने भी दिए हुए हैं कि आप इनको 10 steps पे, कि बैक से भी वॉश हो जाए, फ्रंट से भी हो जाए। नेल्स में मोस्टली वायरसेस बैठे हुए होते हैं, नेल्स के चारों तरफ, तो उनको अच्छे से करना है। सैनिटाइजर आ गए हैं काफी सारे अच्छे मार्केट में, तो बच्चों को वो घर से ही शिक्षा मिलनी चाहिए, और स्कूल में जाकर टीचर को भी जो है वो ये सारी चीजें कर देना चाहिए कि बच्चों को अवेयरनेस इनकी हो जाएगी किस तरीके से हम इसे प्रिवेंट करें। बेसिकली अगर हम देखा जाए तो कोरोना वायरस से बचने के लिए सब ये है कि हमें थोड़ी सी अगर हम सावधानी बरते हैं तो क्या हम उससे, मतलब कितने परसेंट चांसेस हैं हम कोरोना वायरस से बच? देखिए, अगर सावधानी बरती जाए और इम्यूनिटी को एनहेंस कर लिया जाए तो मैं कहती हूँ 100% चांसेस, अगर वायरस आ भी गया तो उससे बचाव हो जाएगा। एक चीज और मैं बताना चाहती हूँ सर, कि जब भी घर से बाहर निकले, बच्चे हों या बड़े हों, ये बहुत ही अच्छा तरीका है कि नॉस्ट्रिल में 1-1 drop दोनों नॉस्ट्रिल में मस्टर्ड ऑयल की अप्लाई कर बाहर निकले। देखिए, ये भगवान ने इतनी अच्छी हमारी बॉडी का सिस्टम बनाया है कि जो हमारे नॉस्ट्रिल्स हैं इनके अंदर हमारे हेयर्स दिए हैं, ये फिल्टर हैं, हमारी बॉडी के फिल्टर हैं। जब भी हम एयर को इनहेल करते हैं तो यहाँ से जो जितने भी डस्ट पार्टिकल होते हैं वो हमारे हेयर्स पर अटक कर रह जाते हैं, है ना, तो वो प्यूरिफाई होकर एयर जाती है। जब हम इसमें मस्टर्ड ऑयल अप्लाई करते हैं तो वो हेयर्स पर चिपक जाता है और हमारी नोज पे चारों तरफ चिपक जाता है। और मस्टर्ड ऑयल के अंदर ये वाली एक क्वालिटी है कि वो अगर डस्ट आएगी तो उसको अपने में चिपका लेता है। तो आप इन फिल्टर्स को और ज्यादा मजबूत कर देते हैं अगर आप 1-1 drop अपने नॉस्ट्रिल में मस्टर्ड ऑयल की अप्लाई कर बाहर निकल, तो जो भी आप इनहेल कर रहे हो वो आपकी फिल्टर होकर आपकी बॉडी में जाए, तो आप बचाओ। दूसरा चीज मैं एक जानना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या दिल्ली गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि जिससे, मतलब कोरोना वायरस जो अब तक जितना 6-7 केसेस डिटेक्ट हो चुके हैं आगे तक ना। मैं अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और अपने मोदी साहब से ये अपील करना चाहती हूँ, बीइंग अ मेडिकल प्रोफेशनल, कि पहले से ही प्रिकॉशनरी मेजर अपनाने चाहिए। हमें कोई भी वायरसेस की जो इम्यूनाइजेशन की मेडिसिन होती है उनको प्रिपेयर करके रखना चाहिए। और सबसे पहली बात है, हमें वायरस का तो पता नहीं होता कि कौन सा वायरस कब आ रहा है, हमें अपने लैब में हर वक्त ऐसी चीजें टेस्ट या रिसर्च करते रहना चाहिए कि जो हमारी इम्यूनिटी को एनहेंस करें। हमारे फूड को पर रिसर्च होना चाहिए कि चाइनीज और ये वो जो फूड आ रहे हैं, जो ये हमारे सारे जंक फूड मार्केट में आ रहे हैं, इनकी अवेयरनेस, पैक्ड फूड की अवेयरनेस बच्चों तक और खासकर गृहिणी तक, जो घर की महिलाएं हैं उन तक, पेरेंट्स तक की पहुंचनी चाहिए कि अगर आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है इन फूड को खा खा के तो इसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और कहां तक ये आपको डेथ तक भी ले जा सकता है। तो सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यही कहना चाहती हूँ कि आप इसमें जो कुछ हमारी नेचुरल जो चीजें हैं हमारे किचन के अंदर, इनकी अवेयरनेस के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को काम करना है। सो बेसिकली आपका कहने का मतलब है कि अगर गवर्नमेंट कोई कैंपेन चलाए जिससे, मतलब जो नेचुरल इंग्रेडिएंट हैं जो हमारे फूड सप्लीमेंट्स के, तो अगर उसके ऊपर थोड़ा गवर्नमेंट जोर दे, जैसे कि भारत सरकार ने स्वच्छ भारत के ऊपर अभियान के ऊपर जोर दिया था, ताकि अब किचन स्वच्छ करने की जरूरत है। बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से कोई इनिशिएट लिया जाए कि गृहिणियों तक ये चीज पहुंचाई जा सके, बिल्कुल, मतलब किचन स्वच्छ कैसे किया जा सके, उसके लिए डॉक्टर साहब मैं 2-3 tips आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप दें कि किचन हमारा स्वच्छ कैसे। देखिए, सबसे पहले तो हम इसमें जो किचन
जिनका वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना, उस पर हमें, हमारी जो महिलाएं हैं उनको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें प्लास्टिक की हमारे किचन में आ गई हैं, तो प्लास्टिक को प्लीज बिल्कुल अलग कलेक्ट करें। जैसे पॉलिथीन में वैसे तो प्लास्टिक बंद है, लेकिन फिर भी हम लोग नहीं मानते हैं, प्लास्टिक को घर में लाते हैं, प्लास्टिक की पॉलिथीन में सब्जियां खरीद के लाते हैं, ये सब करते हैं। तो प्लास्टिक को बिल्कुल अलग पैकेट में बंद करें। और बहुत सारे प्लास्टिक का मैनेजमेंट करने के लिए संस्थाएं खुली हुई है, मेरे पास अभी एक लेटर आया था, उनको अप्रोच करके उस प्लास्टिक को रिसाइकिल हो सकता है, ये सब गवर्नमेंट की स्कीम निकली हुई है, तो उसको रिसाइकिल के लिए अलग इकट्ठा। दूसरी बात, हमारा जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है जी, उसको भी जो जैसे चाय की पत्ती है, आपकी सब्जियों के छिलके हैं, ये सब चीजें, उनको आप, उनका खाद बन सकता है, तो उनका खाद बनाकर अपने पौधों में डाल सकते हैं, यहाँ से इन्फेक्शियस मटेरियल हमारे आने शुरू हो जाते हैं। दूसरा, हमारा जो होता क्या है कि कॉर्नर में जो किचन के स्लेब होती है, कॉर्नर में और जो चूल्हे के नीचे, गैस का जो चूल्हा होता है उसके नीचे जो गंदगी इकट्ठी होती है, उस पर जरूर से ध्यान देना चाहिए कि हमारी किचन जितनी स्वच्छ रहेगी उतना ही हमारे इन्फेक्शियस डिजीज से हम बच सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो आटा हम लोग यूज करते हैं, गेहूं के साथ चना और जौ का आटा आप मिक्स कर दीजिए, जैसे 10 किलो आप गेहूं लेते हैं, मल्टीग्रेन से सिर्फ चना और जौ से काम चल जाएगा, तो वो डिटॉक्स भी करता है और बॉडी को, की इम्यूनिटी को भी एनहांस करता है, और हमारे शरीर में चना जो होता है वो स्ट्रेंथ भी देता है, उसमें उसकी जो प्रॉपर्टीज है। तो इस तरीके से हम अपने किचन को स्वच्छ भी कर सकते हैं और स्वस्थ भी कर। तो रसोई को स्वच्छ और स्वस्थ करने के लिए हमने भी काफी महिलाओं की वर्कशॉप्स भी की हैं और अवेयरनेस करने के लिए प्रोग्राम भी किए हैं, जो हमारे सेंटर्स के डॉक्टर्स, रजिस्टर्ड डॉक्टर्स होते हैं, वो जाकर के, या मैं भी किचन में जाकर के लोगों को, महिलाओं को खाना बनाना किस तरीके से बना जाए, कैसे हैंड वॉश किए जाएं, कैसे किचन को क्लीन किया जाए और क्या चीज वहां यूज की जाए कि जो है किचन आपकी साफ रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा। मैं एक चीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अब आप हमें कुछ 2-3 छोटी छोटी टिप्स और मेजर्स बताएं ताकि हम कोरोना वायरस से बिल्कुल उससे बचें। देखिए, टिप्स में फर्स्ट टिप्स तो यही है, हल्दी वाला दूध पीना शुरू कर दीजिए सुबह शाम, दूध अच्छा हो। अब हमें नहीं पता कि पैकेट वाले दूध कितने अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी हम एडवाइस कर देते हैं कि दूध में हल्दी डालकर पीना शुरू कर दीजिए। दूसरा, त्रिकुट का सेवन शुरू कर दीजिए, त्रिकुट जो मैंने अभी बताया था, पाउडर बना के रखना है। तीसरा, खाना खाने से पहले छोटा सा अदरक का पीस, फर्स्ट बाइट में छोटा सा कच्चे अदरक का पीस आपको चबाकर खाना है, फर्स्ट बाइट, ये आपके जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं उनको बैलेंस करता है। अदरक डॉक्टर साहब कितना होना चाहिए? छोटा सा, 1/2 इंच ना सा, इतना सा पीस धुलकर अच्छे से छीलकर उसको फर्स्ट बाइट में चबाएं, और फिर सारा एवरी 3 टाइम्स का अगर आप मील लेते हैं तो 3 टाइम आपको ये करना चाहिए, अदरक खाना चाहिए। चौथा, आपका जो दही का हमने अभी छाछ बनाकर उसको, उसमें सौंठ का जो ऐड कराया था, जिंजर पाउडर जो ऐड कराया था, और सेंधा नमक, उसको आपको यूज करना है। तीसरा, तुलसी के पौधे लगाएं। चौथा, गिलोय का डिकॉक्शन पिए। अगर डिकॉक्शन नहीं बना पा रहे हैं तो गिलोय की ग्रीन थोड़ी सी सॉफ्ट वाली, इतनी 1 इंच की डंडी लेकर उसको चबा लें, वो आपकी इम्यूनिटी को एनहेंस करेगी और कोरोना वायरस से प्रिवेंट करेगी। तीसरा, एक चीज और जो बहुत ही अच्छी है और जो बहुत ही अब पूरे देश में फैलती जा रही है और पहले से हमारे सदियों से हमारे यहाँ होती आती है इंडिया के अंदर, एक सामग्री हम लोग तैयार करते हैं, उसमें होता क्या है, आम की लकड़ियाँ या आम का बारूदा, लकड़ियों का बारूदा, लौंग, इलायची, बालछड़ और उसमें और भी बहुत सारी चीजें, गाय का देशी घी, उसमें मिक्स करके एक सामग्री तैयार हो जाती है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं उसको आपको लिख कर उस पे दे सकती हूँ कि सामग्री में और क्या क्या चाहिए, और बनी बनाई भी बहुत सारी सामग्री आती है। एक मिट्टी का एक बर्तन होता है, कुंड जिसे बोलते हैं, उसमें उस सामग्री को, और जो आपका कपूर होता है, कपूर से उस सामग्री को जलाएं और उसका धुआं पूरे घर में कर दें और अपने गेट के बाहर भी करें। वो जो धुआं होता है, अगर आप उसको इनहेल करते हो तो भी वो आपकी, आपको डिटॉक्सिफाई करता है और आपके लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है, और वो धुआं अगर आपके एनवायरमेंट में फैलता है घर में, तो कोने कोने से भी एंटीवायरस, मतलब वायरस इसको वो खत्म कर देता है, या तो मर जाते हैं वायरस उस धुएं से, या तो भाग जाते हैं आपके घर। तो ये जो धूमन, इसको बोला जाता है हमारी ग्रंथों की भाषा के अकॉर्डिंग, कि इस धूमन को आप पूरे एनवायरमेंट में अपने घर आयुर्वेदिक में करें, आयुर्वेदिक ग्रंथों में, नेचुरोपैथी के ग्रंथों में ये सब ऐड है। तो इसको अग्निहोत्री यज्ञ भी बोलते हैं, और आज मेरी एक मीटिंग हुई थी स्कूल में, पब्लिक स्कूल में, उसमें भी मैंने एडवाइस किया, तो उन्होंने माना कि हम स्कूल में इस धुएं को जो है हम फ्यूमिगेशन एक्चुअली करेंगे, तो फ्यूमिगेट आप इस चीज से अगर अपने एनवायरमेंट को करें, घर को करें, तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा टू प्रिवेंट द कोरोना वायरस। और इसके अलावा मैम, और क्या, मतलब जो बच्चे कर सकते हैं, और क्या इसके अलावा जो रूटीन लाइफ में जिन चीजों को किया जाए? देखिए, 2-3 चीजें होती हैं, आपकी डाइट हो गई, आपकी इम्यूनिटी एनहेंसर चीजें हो गई हैं, आप उनको क्या क्या हो सकते हैं इसमें, बच्चों के लिए, तो एक बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी मैं बताऊं, योग बहुत अच्छी चीज है। एक योग का एक टॉपिक रह गया था, प्राणायाम, जो ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस हैं वो आपके लंग्स को मजबूत कर। ब्रीथिंग एक्सरसाइज में कभी भी, मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि आपको इलझना नहीं है कि भाई हम अनुलोम विलोम करें, रामदेव बाबा जी ने ये बता दिया तो हम इसको अनुलोम विलोम करें, शब्दों में नहीं इलझना है, हमें क्या
लेना है, गहरी श्वास लेना है, गहरी छोड़ना है, तेजी से छोड़ना है, तेजी से निकालना है। 10 बार करें, 20 बार करें, जितने आपकी शरीर की स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग आप अगर ब्रीथ को तेजी से निकाल के और बाहर छोड़ते हैं तो आपकी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा और लंग्स स्ट्रांग बने। और लंग्स का ही ये सारा खेल है कि कोरोना वायरस वहीं पर जाकर या कोई भी वायरस वहीं पर जाकर आपको परेशान। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर त्यागी से, आप कृपया थोड़ा सा हमारे शकुंतलम ट्रेडिशनल स्पाइनल केयर के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें। शकुंतलम ट्रेडिशनल स्पाइनल केयर जो स्वास्थ्य, सेवा, शिक्षा और साधना का जो ये चारों शब्द हैं इनको फुलफिलमेंट करती है। स्वास्थ्य पे हम लोग बेसिकली जो मेन हमारा है स्पेशलाइजेशन वो स्पाइनल डिसऑर्डर पे है। यहाँ पर हम लोग ने जहाँ तक सेवा का सवाल है, पिछले एक साल में हमने मोर देन 65 कैंप करीब हेल्थ के कैंप लगाए, अवेयरनेस के कैंप हम लोगों ने लगाए, महिलाओं को शिक्षित करने के लिए लगाए कि कैसे वो किचन में जाकर के अपने को सारी जो औषधियां हैं वहाँ किचन के अंदर जो औषधियां होती हैं उनको कैसे वो प्रिपेयर करें और बच्चों को खिलाएं, खाना खिलाएं, अपने घर में जितने भी हैं गृहणियों का ही काम होता है कि वो किस तरीके से स्वास्थ्य को घर के अंदर और किचन के अंदर मेंटेन कर सकते। तीसरा जो हमारा साधना का है उसमें हमारा योग मेडिटेशन की क्लासेस चलती हैं, तो जहां पर हमारे लोग होते हैं स्टक हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो वहां हम उनको योग मेडिटेशन के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा उनको वहां से निकालने की कोशिश करते हैं योगिक साइंस के थ्रू हम लोगों को निकालें और बहुत लोगों को फायदा भी हुआ। तो ये हमारी जो हमने दिल्ली में इसको ब्रांच को बनाया था वो 2009 में बनाया था, अभी हम लोग को काम करते हुए काफी साल हो गए। यहाँ पर जो हमारी इसकी रूट ब्रांच है वो डिस्ट्रिक्ट मेरठ में है और अब करते करते दिल्ली में भी काफी समय हो गया है। नेपाल काठमांडू में मेरे पति देव मित्र डॉक्टर राजकुमार त्यागी हैं जो वहां का सारा देखते हैं और वहां पर काफी लोगों को जब भूकंप आया था नेपाल के अंदर तो वहां पर मित्र डॉक्टर राजकुमार त्यागी ने जाकर बहुत ज्यादा लोगों की सेवा की और वो जो फियर मन में उनके आ गया था कि कहां से कुछ बिल्डिंग गिरेगी और आप मर जाओगे, उस फियर को निकालने में उन्होंने बहुत हेल्प की वहां पर। तो इस तरीके से हम लोग दोनों पति पत्नी जुटे हुए हैं कि किस तरीके से लोगों को इन फियर से और जो बीमारियों की जो फियर है लोगों के मन में उससे बाहर निकाल पाए, प्रिवेंट कर पाए और जितनी सेवा हो सकती है, जितना हमारा नॉलेज है, ज्ञान है, हम लोगों तक बांटे। तो मैम अभी आपने फिलहाल लास्ट मंथ कितने कैंप किए थे? लास्ट मंथ करीब हमने मोर देन 10 कैंप हम लोगों ने किए हैं गाँवों में जाकर। हरियाणा में एक मलकपुर गाँव है वहाँ पे हम लोगों ने कैंप किया, बिल्कुल बेसिकली गाँव के लोग थे, बहुत ज्यादा कमर दर्द, गर्दन दर्द और माइग्रेन, कितनी सारी डिजीज, स्किन डिजीज, जो श्वास रोग होते हैं वो लोगों को लगे हुए थे। तो वहाँ पर हमने, हमारे BMS डॉक्टर हमारे साथ जाते हैं जो आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं, वो पूरा प्रिस्क्रिप्शन देते हैं कैसे हर्बल मेडिसिन को वो यूज कर सकते हैं और कैसे योग प्राणायाम के द्वारा या उनको डाइट प्रिस्क्रिप्शन देकर इन चीजों से सारे बहुत सारे पेशेंट्स को बहुत फायदा। दोस्तों ये थी डॉक्टर वंदना त्यागी, आपका मैडम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतना अपना कीमती समय में से थोड़ा सा समय दिया। और जैसा कि मैडम ने बताया है अगर कोशिश कर सकें तो आप लोग बेसिकली इन प्रिवेंट्स का ध्यान रखें ताकि हम कोरोना वायरस से बच सकें। अगर आप लोग डॉक्टर वंदना त्यागी से संपर्क करना चाहते हैं तो मैडम मैं अपना रिक्वेस्ट करूंगा हमारे व्यूअर्स के लिए एक आप अपना कोई ऐसा कॉन्टेक्ट नंबर हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें ताकि अगर कोई इस चीज के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहे तो आप उनकी हेल्प करें। जी मेरा अपना ही नंबर है जो व्हाट्सएप पे भी सर्कुलेट होता है, व्हाट्सएप नंबर भी है जी 8766241406 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मैडम इसमें अपना क्या टाइमिंग क्या रहेंगे ताकि आपको मतलब आपका शेड्यूल बहुत बिजी रहता है तो हमारे देखने वाले दर्शक आपको कॉल करें तो उनकी भी बात हो सके और आपके भी अपना जो प्रोफेशन में बाधा ना आ पाए। जी मैं 10 बजे से 2 बजे तक मॉर्निंग में क्लिनिक पर होती हूँ तो मैं कॉन्टेक्ट नंबर को कोई भी फोन आता है मैं कोशिश करती हूँ सारे फोन उठाऊं या कॉल बैक करूं अगर मैं नहीं उठा पाई हूँ तो। और शाम को 6:30 या 7 बजे से 9 बजे तक के 2 घंटे मेरे पास होते हैं जो मैं उठा सकती हूँ फोन, अगर मैंने फोन किसी का नहीं उठाया है तो मैं कॉल बैक हमेशा कोशिश करती हूँ कॉल बैक किया जाए। धन्यवाद, जय हिंद।